नमस्कार, अब इतने एपिसोड हो गए हैं कि आप लोग तो मुझे पहचान ही गए हैं। हाँ हाँ, तुम्हारा स्टार्टअप भी शुरू हो गया है। क्या कहा, कौन सा था? तुम चुप रहो यार, पहले इस हरामी से बात कर लूँ। अब तुम्हें लोग नहीं पहचानते तो उससे मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, तुम्हारे बंगलों के नीचे तो लाखों लोग तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं। क्या कहा गजोदे? इस हरामी को देखने के लिए लाखों लोग उसके घर के नीचे खड़े हैं। कुछ देर के लिए शांत रहोगे? बाप मरे अंधेरे में और बेटे का नाम पावर हाउस। किसका बाप अंधेरे में मर गया? शलिनी बोली सुई से तेरे पेट में छेद। अरे तू क्या जानता है? जानता हूँ मैं तेरे सारे भेद। ये किस भाषा में बात कर रहे हो तुम लोग? हरामी, तू क्या जानते है मेरे भेद के बारे में? नहीं, तुम इसका छोड़ो, तुम ये बताओ ये तुम्हारे भेद कैसे जानता है? अरे कुछ नहीं जानते यार, वही तो मैं उससे पूछ रहा हूँ। जब तुम्हारे वेद तुम्हें नहीं पता तो उसे क्या पता होंगे? कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना छोड़ो और काम शुरू करो। काम कान से याद आया, जब तक सूरज चांद रहेगा गजोधर और एचेरामी का ये काम रहेगा। क्यों गजोधर? हाँ, लड़ाई झगड़ा एक तरफ, ये बात तुमने सही कही है। तुम लोग दोनों का नाम रहेगा और मेरा नाम नहीं रहेगा? हाँ, तुम्हारा भी रहेगा, थोड़ा थोड़ा कम। कोई बस हो गया तुम्हारा अपने मुंह मियां मिट्टू, चुप करो। इससे पहले कि हमारे बॉस हमें जूते मारकर निकाल दे, हम बुलाते हैं आज के हमारे मेहमान को। आज के जो हमारे मेहमान, लंबाई है उनकी पहचान, नहीं कोई रिश्ता इनका, लेकिन लगता है ये आए हैं फ्रॉम डिफरेंट जहान। मुझे गजोधर के जमाने का एक गीत याद आ गया, जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। अब ये किसी की बीवी तो हो नहीं सकते, जिसके भी होंगे उसके पति होंगे, और जिसके भी पति होंगे वो यही कहेगी कि उसका पति है लंबू पति। ज्यादा देर ना करते हुए बुलाते हैं आज के इस युग में, इस 5G के जमाने में, AG OG आइए लंबू जी। और क्या हाल चाल है आपके? लंबू जी आइए आइए, आपका स्वागत है। दिखने में खंबा हूँ। हाँ हाँ, मैं लंबा हूँ। हाल भी ठीक है, चाल भी ठीक है, मगर क्या बताओ ये साल ठीक नहीं है। ऐसा क्या हुआ? क्या बताओ, कैसे समझाओ, ये लंबाई कितनी तकलीफ देती है। दिखने में खंबा हूँ। हाँ हाँ, मैं लंबा हूँ। ओए अच्छे रामी, अगर हाल चाल पूछ के हो गया हो तेरा तो इंटरव्यू शुरू करेगा। हाँ हाँ, जैसा डी के बॉस बोले वो मैं काम करूँ। देखिए, हमारी बातें तो चलती रहेगी और हमारे बॉस को ये बात खलती रहेगी। मेरा सवाल आपकी हाइट को लेकर था, तो आपकी हाइट है कितनी? 6'6". ओह नो, एक बात बताओ गजोधर, इतने लंबे भी लोग होते हैं क्या? मैंने तो कभी नहीं देखा। अगर नहीं होते तो ये कहाँ से आते? और तुमने तो आईफिल टावर भी नहीं देखा है, तो क्या वो नहीं है? वाह वाह, ये तो गजब की हाइट है। ये तो इतनी हाइट हो गई कि बातों की भी हाइट हो गई। तो मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे लंबू जी, कि ये लंबा होना सुखदाई है या दुखदाई? सुखदाई तो नहीं है, दुखदाई बहुत है। अब क्या बताओ, जूते आसानी से मिलते नहीं है, रिक्शा में बैठता हूँ तो बहुत तकलीफ होती है, ट्रेन में बर्थ पर लेट नहीं पाता, बाइक दोनों पैर से रोक देता हूँ, और क्या क्या बताओ तकलीफ। दिखने में खंबा हूँ, हाँ हाँ मैं लंबा हूँ। ओहो, सच में मुझे नहीं पता था कि लंबा होना इतना दुखदाई हो सकता है। लोग लंबे होने के लिए क्या क्या तरकीबें अपनाते हैं, और एक हमारे लंबू जी है जो लंबे होने की तकलीफें बता रहे हैं, अपना दुख जता रहे हैं। अपनी बकवास शायरी से हरामी जी आप हमें सता रहे हैं। ऐसे ही मुझे ख्याल आया लंबू जी, कि आपके जूते का साइज तो इतना बड़ा है कि चोरी करने वाला तो जूता देख के घबरा जाता होगा, और आप जिस मंदिर में जाते होंगे कोई वो आपका जूता बदल नहीं पाता होगा, क्योंकि बदलने वाला पैर का नाप देख के ही थरथरा जाता होगा। लंबू जी, आप यहाँ आए हमारे शो पर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। दिखने में खंबा हो तो क्या हुआ अगर मैं लंबा हूँ? नमस्ते। वो सब तो ठीक है, लेकिन आगे क्या होगा? क्या इनका परिवार बन पाएगा, या ये लड़का यूं ही चढ़ता चला जाएगा, चढ़ता चला जाएगा? और तुम्हारा ये बकवास इंटरव्यू लेता हुआ देख हमारे व्यूअर्स बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे, जो भी बच्चे कुचे हैं वो भी भाग जाएंगे। वाह गजोधर, ये ऐसी लाइनें मुझे राइटर क्यों नहीं देता? मैं क्या बोलूं? बोल, तुम ये बोलो कि यहां से निकाल दिए गए तो रास्ते के ठोकर खाएंगे।
क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से निकाल दिए गए तो रास्ते में ठोकर खाएंगे। नहीं नहीं, रास्ते के ठोकर खाएंगे, यहाँ से निकाल दिए गए तो रास्ता और ठोकर दोनों खाएंगे। रहने दो गंगाधर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। सही कहा, इसी सोच के साथ आज ये एपिसोड हम खत्म करते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।